सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। In this video, I will tell you 4 things that you are doing wrong with your smartphone. My name is Yuvraj Singh and you are watching my YouTube channel Yuri Tech. Let's start the video without wasting the time. तो दोस्तों सबसे पहले नंबर पर जो आप रोजाना गलती करते हैं वो है कि आप बैकग्राउंड एप्स को हर वक्त डिलीट करते रहते हैं। जैसे कि आपने कोई भी ऐप चलाया, जैसे कि यूडी ब्राउजर चलाया आपने, तो आप बाद में क्या करेंगे कि बैकग्राउंड ऐप निकालेंगे और सारे बैकग्राउंड ऐप को रिमूव कर देंगे। तो इससे होता क्या है कि बैकग्राउंड ऐप तो रिमूव हो जाते हैं, आप समझते हैं कि बैकग्राउंड ऐप जो है वो रिमूव हो चुके हैं और आपकी रैम वो खाली हो गई है, पर ऐसा नहीं होता है। खुद ही देखिए, पहले मैंने इसे चलाया और इसके बाद मैंने इसे क्लियर कर दिया। तो अब मैं इसे दोबारा चलाऊंगा फोन निकाल कर, तो ये 0 से 100 तक स्टार्ट होगा, मतलब कि ये दोबारा से रन करेगा उसको और इस पे प्रोसेसर का जोर लगेगा और बैटरी भी ज्यादा खाएगा, इससे आपकी जो बैटरी है और प्रोसेसर है वो ज्यादा चलेगा। दोस्तों इसकी कोई जरूरत नहीं होती है, जो हमारा एंड्रॉइड प्रोसेसर है उसे पता है कि कितनी मेमोरी हमें चाहिए, कब चाहिए, तो इसलिए उसे बताने की जरूरत नहीं है कि बस अब इसे डिलीट कर दो, रिमूव कर दो, रैम खाली करो। वो अपने आप एडजस्ट कर लेता है कितनी रैम उसे चाहिए। तो इसलिए बैकग्राउंड ऐप्स को कभी भी बंद मत कीजिए, क्योंकि वो बैटरी और प्रोसेसर ज्यादा खाएंगे। तो दोस्तों आपकी दूसरी गलती है जो आप रोजाना अपनी जिंदगी में करते हैं कि आप कोई एंटीवायरस रख लेते हैं। आपने नया नया फोन लिया है तो आप चाहते हैं कि अपने आपके फोन में कोई वायरस ना आए, इसलिए आप एक एंटीवायरस डाउनलोड कर लेते हैं, जैसे कि ये है। तो आपको एंटीवायरस नहीं डाउनलोड करने हैं, तो वो किस लिए आपको बता देता हूँ। जो एंटीवायरस होते हैं वो करते क्या है कि स्कैन कर देते हैं, उसके बाद चेक करते हैं कि इसमें क्या है, उसके इस पे प्रोटेक्शन रखते हैं हर वक्त। तो इसमें बहुत ज्यादा रैम खर्च होती है और प्रोसेसर का भी काम लगता है, जिसमें फोन आपका और ज्यादा हैंग होता है। तो आप खुद ही सोच सकते हैं कि एंटीवायरस रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए। अगर आप रखेंगे तो वो खुद ही बहुत ज्यादा रैम खाएगा अपने प्रोसेस पूरे करने के लिए, इसलिए एंटीवायरस जो भी आप रखते हैं वो आप उससे डिलीट कर दीजिए। मैं उसको नहीं कहता जो अच्छे एंटीवायरस होते हैं, जैसे कि एवीजी है, पर इसके कई छोटे मोबाइल पर फायदे नहीं होते। बड़ा मोबाइल है, अगर आप थोड़ा बड़ा काम करते हैं, जैसे कि मेरी तरह चीजें डाउनलोड करनी है और नई नई चीजें डाउनलोड करनी है, अनर सोर्स पे डाउनलोड करनी है, तो फिर आप कर सकते हैं, फिर भी मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। और थर्ड नंबर पर जो आप गलती करते हैं रोज, वो है जैसे ये क्लीन मास्टर। आप एप्स डाउनलोड कर लेते हैं, क्लीन मास्टर, रैम फ्री ऐप, ऐसे जो ऐप होते हैं जैसे कि 360 सिक्योरिटी, ऐसे आप ऐप डाउनलोड कर लेते हैं और ये करते क्या है कि आपकी रैम को फ्री कर देते हैं, जंक फाइल्स डिलीट कर देते हैं और भी कई तरह की फाइल्स को डिलीट करते हैं, अपनी आपकी मेमोरी को फ्री करते हैं, रैम को फ्री करते हैं। इसमें होता क्या है कि ये आपकी जो भी मेमोरी में जो कैच फाइल होती है, जो कि आपके सिस्टम ने डाउनलोड की होती है अच्छे काम के लिए, जैसे ऐड आती है कोई आपके मोबाइल पर, तो आपके फोन ने उसको डाउनलोड कर लिया है, अगली बार वो MB नहीं खर्च होगी उस पर, क्योंकि वो ऐड डाउनलोड हो चुकी है, तो उसे दोबारा प्रोसेसर को प्रोसेस लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी, वो आसानी से अपना काम करता रहेगा। पर आप ऐसे यूज करते हैं जैसे क्लीन मास्टर, तो उस ऐड को क्लीन कर देता है, जो कैश डाटा होते हैं उसको डिलीट कर देता है, जिसमें आपके फोन की सारे कैश डाटा डिलीट हो जाता है, एप्स डिलीट हो जाती है, तो वो सामान प्रोसेसर को दोबारा क्रिएट करना पड़ता है, डाउनलोड करना पड़ता है, जिसमें और ज्यादा प्रोसेसर कंफ्यूज हो जाता है, जिसमें आपका फोन स्लो हो सकता है। तो ये फोन को स्लो करता है, फास्ट नहीं। आपकी मर्जी, आप डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। मैं इसे नहीं कहता कि आप क्लीन मास्टर मत वर्तिए, आप वर्त सकते हैं, ये अच्छा भी काम करता है, पर इसे टेम्परेरी वर्त सकते हैं, हमेशा वर्तना आपके फोन के लिए हानिकारक हो सकता है। और दोस्तों लास्ट थिंग जो कि आप अपने फोन के साथ गलत करते हैं, वो है कि आप बिना देखे परमिशन दे देते हैं किसी भी ऐप को। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने ये ब्राउजर निकाला, ये एक आम ब्राउजर है जैसे दूसरे ब्राउजर होते हैं, और ये देखिए ये मेरे से मांग रहा है परमिशन, अलाउ यूडी ब्राउजर टू सेस द डिवाइस लोकेशन। अब खुद ही सोचिए इस ब्राउजर को मेरी लोकेशन क्या करनी है, तो इसको आप डिनय कर सकते हैं, अलाउ कभी मत कीजिए, क्योंकि आपकी लोकेशन और भी कई तरह की परमिशन लेके ये आपके फोन को जैम या फिर कुछ भी हैक भी कर सकते हैं। ये आप परमिशन ना दीजिए ऐसी, क्योंकि इनको क्या चाहिए आपकी लोकेशन से, इसलिए परमिशन पहले देख लीजिए फिर इनको परमिशन दे दीजिए। तो दोस्तों आपको पता ही चल गया होगा कि परमिशन नहीं देनी है, पहले आपको देखना है कि वो परमिशन किस चीज की मांग रहा है, उसको जरूरत है उसकी या नहीं।
फिर उसको परमिशन दीजिए। दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। एंड बाय बाय।